सो so, आज की वीडियो में जवेदेरी बाजार के फेमस मोहन भाई पुडला वाला की कंप्लीट मेकिंग और रिव्यूइंग दिखाऊंगा साथ ही उसके बाद जो दया राम छप्पन भेल है उसका छप्पन भेल एंड लास्टली द सेकंड बेस्ट छास इन मुंबई अकॉर्डिंग टू मी सो ये वे वीडियो एंड तक जरूर देखना सो so, ये खाओ खाओगली जवेरी बाजार गली के बीचों बीच आपको मिलेगा लाला फास्ट फूड जिसे फेमसली नोन एज मोहन भाई पुडला वाला सो so, यहाँ पर मैं गया और मैंने इनका फेमस सैंडविच पुडला है ना वो ट्राई किया था सो जो एक ब्रेड का पीस होता है ना ये इनका पुडला का बैटर है जो एकदम थिन रहता है उसमें अच्छे से डिप करते हैं तो एकदम पतला कोटिंग है ना ये सैंडविच के ब्रेड के ऊपर लग जाता है एंड टोटल यहाँ पे तीन सैंडविच बन रही थी टोटल छह ब्रेड उन्होंने तवे पे डाले एंड साथ में ऊपर जाता है धनिया एंड बाद में सब पुडला और ब्रेड पे है ना बटर जाता है इसमें एक बात है ना कि अच्छे से काट के इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा जैसे थोड़ा सा पक जाए ना उसके लिए बटर डालते हैं एंड जो पुडला रहता है उसके अंदर है ना तेल भी जाता है अच्छे से वो सैंडविच में तेल नहीं जाता है बाद में अच्छे से है ना एक बार एक साइड से पक गया तो ऊपर डाल के मतलब पलट देते हैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मल अनियन वाला भी अलाउड है आप यहाँ पे पुडला में बात कर रहा हूँ नॉर्मल पुडला सो यहाँ पे अनियन और चीज़ या फिर टमेटो वाला ले सकते हो यहाँ पे है ना पुडला डोसा बन रहा है ये डोसा भी बनाते हैं पर हम लोग को उस सबसे कोई मिल नहीं है हम लोग बना रहे ये अपना सैंडविच पुडला सैंडविच पुडला में आपको एक सादा वाला भी मिलेगा और आपको चाहिए तो चीज़ वाला भी मिलेगा मैं आपको रिकमेंड करूँगा सादा वाला लेना पचास रुपये का है गेस येस पार्सल भी होता है एंड हम लोग खाना तो स्टील के प्लेट में मिलता है आप अंदर जाकर बैठ के आराम से खा सकते हो हमें फ़ोटो लेना था तो हम लोग बाहर गए थे एक चीज़ है कि एकदम गर्मा गर्म मिलता है ना तो स्टील का प्लेट है ना एकदम ज्यादा गर्म हो चुका था तो भी हम लोग को एकदम अच्छे से ध्यान से पकड़ना पड़ रहा था इन यहां पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है जस्ट वो so, एक ब्रेड का स्लाइस है और उसके ऊपर जो तो धनिया गया है वही पर इसका जो मेन टेस्ट है ना वो ये लहसुन की चटनी में ये आपको सर्व पुदीने और लहसुन की चटनी के साथ होगा एंड साथ में थोड़ा बहुत कंधा भी मिलेगा सो so, यहाँ पे जो लहसन की चटनी है ना मेन ज्यादा उसके अंदर ही है दैट इज़ गिविंग द पुडला इट्स मेन फ्लेवर सो नेक्स्ट इज़ जो छप्पन भेल जो जैसे खाओ खली ख़त्म होता है तो एंड पे आपको मिलेगा दया प्योर प्योर जैन छप्पन भेल सो so, यहाँ पे है ना इनके पास नॉर्मल और जो बोलते हैं ना पफ्ड राइस ममरा नहीं है उसके अलावा जितना भी ये जो छप्पन मसाले रहते हैं चना चोर है ये थोड़ा बहुत चना सुबह वो सब मिलेगा और उसका बेल बनाते हैं ये एक बेल इज ऑफ आई गेस पच्चीस रुपये आई एम नॉट श्योर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले जाता है ये चोर पोहा पर ये जो दाल रहती है वो चना एंड जो इनका नमक और जो मसाले रहते हैं वो मसाला जाता है इसके बाद द मेन थिंग इज़ इसके ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत नींबू दैट इज़ नॉट द मेन थिंग ऑब्वियसली सो इसके ऊपर जाता है थोड़ा सा नींबू एंड नींबू डालने के बाद है ना एक कंटेनर में लेके जाते हैं ये वाला कंटेनर जिसमें है ना अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कांदा कांदा और टमेटा दैट इज टमेटोज जाता है बाद में और भी इनके थोड़े बहुत मसाले रहेंगे वो जाएगा एंड ये अच्छे से है ना मिक्स हो जाता है ये केरी गया है इनका अच्छे से मिक्स होता है अराउंड दो पाँच सेकंड के लिए जस्ट मसाला सब मिक्स हो जाए एंड बाद में जिसमें बनाया था उसी में है ना आपको ये सर्व करके दे देते हैं द अमाउंट ऑफ दैट इज़ टू बी ऑन इट्स रियली गुड छप्पन भेल है इट्स वन ऑफ़ द काइंड इन मुंबई सो इफ यू आर कमिंग टू जवेरी बाजार आप यहाँ पर जरूर खाना शायद मुंबई में आपको कहीं और नहीं मिलेगा सो इसमें जो नॉर्मल ममरा रहता है ना वो थोड़े बाद थोड़े टाइम के बाद है ना वो थोड़ा हवा लग जाता है पर इसमें ममरा यूज़ किया ही नहीं है पर्फ्टाइस यूज़ किया ही नहीं है इसमें इट्स ऑल द टाइप्स ऑफ चनाज एंड एवरी थिंग चनाचोर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ इट्स वेरी कुरकुरा वेरी क्रिस्पी एंड जो मसाला गया है ना इसके अंदर इस दैट्स वाई इट्स मेकिंग फुल ऑफ फ्लेवर्स सो so, ये वही लेन है जहाँ पे दया राम प्योर जैन छप्पन बेल था एंड उसी के बाजू में आपको मिलेगा ऑल इंडिया लस्सी मेरा यहाँ पे ये जो छाछ पीने का बिल्कुल मन नहीं था रात भी हो चुका था एंड हमने ऑलमोस्ट सब शूट कर लिया था थक गए थे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए था इसके लिए मैं यहाँ पे आया था तो पहले हमने पूरा एक ग्लास पी लिया था टेस्ट तो वाज जस्ट अमेजिंग एंड इसके लिए हमने एक और ग्लास बनवाया जस्ट फॉर शूटिंग सबसे पहले मसाला गया था फिर फुदीना एंड एंड में जाता है छास एक चीज़ मेरे को एक और बात अच्छी लगी इज़ लाइक जो ऊपर जो झाग रहता है ना मेरे को झाग वाली एक्चुअली छास बहुत पसंद है जो एकदम तो फ्लैट रहती है मेरे को वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है सो यहाँ पर पंद्रह रुपये का ग्लास है एंड द ग्लास इट इज़ वेरी बिग टू बी ऑनेस्ट अब दस रुपये का भी गिलास ले सकते हो सो so, यहाँ पर जो मसाला है पुदीना है उसका एक अच्छा टेस्ट आ रहा है एंड जवेरी बाजार में आ रहे हो सब घूम ले रहे हो एंड में ये छाछ ज़रूर पीना एंड नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ परसों के वीडियो में आपको लेके जाने वाला बिलीज बर्गर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड जो लग्जरी बर्गर रहता है वो साथ ही इनकी जो किटकेट्स वाली है उसका एंड लास्टली जो ओरियो मिल्कशेक है एंड का जो फैट डॉग है दैट इज़ अ टाइप ऑफ हॉट डॉग उसका मैं प्रॉपर रिव्यू देने वाला हूँ सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इट रियली हेल्प्स एंड मैं मिलूंगा परसों आपको एक और वीडियो के साथ तब तक आप अपना ख्याल रखना